एक क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरे बीए दे विच मैंने मार्क्स फिल किए हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं सी आया, पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट दी गया 00 फिल किया है, कि की मैंने वो 00 डिलीट कर देना चाहिए है। बड़ा सियाना क्वेश्चन है, शाबाश नवी जी। कारण की है कि जे तुसी ये 00 हुण डिस्क्रिपेंसी कल ते परसों 20 की तरीक नूं फिल करनी है, उस च 00 उड़ा दिंदे हां, तुसी पोस्ट ग्रेजुएशन तो बाहर हो जाते हैं, उहदा कोई फायदा भी नहीं है। इस तरह तुहानूं फस्ट काउंसलिंग विच कॉलेज अलॉट हो जाना है, तुहाडे स्कोर किन्ने ने, स्कोर दे हिसाब ने मैरिट बननी है, स्कोर जे मैच करदे हां तां ग्रेजुएशन दा स्कोर ओनली लिया जांदा है टाई तोड़न लई, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन का तो लिया ही नहीं जाता, पोस्ट ग्रेजुएशन का तो होंगे कि जो एलीजिबिलिटी बी ए चो नहीं बनती तो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्कोर चक ले जाते हैं। सो ये अजिहा किया जा सकता है, उस तो बाद डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, सो इस नाल संबंध नहीं है, तुहाडी स्कीम बिल्कुल ठीक है, अजिहा किया जा सकता है। अदरवाइज तुहानू पेंडिंग च पै रहोगे, सैकेंड काउंसलिंग च जाओगे। सो गुड क्वेश्चन कि किन्ने जाणिआं दा भला तुसीं इदां कर सकते हो। लिखिआ हाए अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म चो 0 कॉलम डिलीट करदा तां कोई प्रॉब्लम तां नहीं आऊगी सर, और बी ए दे बेस ते एडमिशन मिल जाऊगी अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन दे रिजल्ट। हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी, पर ये देखो कि हुण डिलीट हुंदा है, जे डिलीट हुंदा है डिलीट करके कहानी खत्म करो ते तुसीं उधर विच आ जाओ, कि जेकर तुहानू नहीं डिलीट हुंदा फिर नैचुरली है कि पोस्ट ग्रेजुएशन दा रिजल्ट आएगा, तां तुहानू वेट करनी पेगी सैकेंड काउंसलिंग की। होर कुछ नहीं होएगा, मैक्सिमम तो ही सैकेंड काउंसलिंग तक जाओगे, सो तुहाडा आइडिया अच्छा है, एक बार करके देख लो। सर प्रोविजनल मैरिज लिस्ट देखने तो बाद की करना है, उहदे विच नाम आ गया की करना है, करोगे मेरी गल मनोगे? थैंक यू कॉस्मिक एनर्जी, एक सुप्रीम पावर है, एनर्जी है, पता नहीं उसनों कुछ भी कहो, तुसी जो मर्जी नाम दो उदा थैंक्स करो, हल्के होवोगे भरोगे, एक एनर्जी नाओ फ्री विच मिल रही है, जिवें सूरज की एनर्जी फ्री मिल रही है ना, इस तरह। सो थैंक्स करना है, बस फिर वेट करनी है मेरिकली कि तुहाडा जिहड़ा है सीट अलॉटमेंट हो जानी है, ये मेरे ख्याल 23-24 नूं हो जानी है ना सीट अलॉटमेंट, उदों तुसी देख लेना, मैं वीडियो पा दांगा, और सीट में अलॉटमेंट किस दिन है वह भी दस दिना हाँ इत्थे तुहानूं। एलोकेशन ऑफ सीट 23 तरीक नूं हो जानी है, 24 तो 26 तक तुसी वो करना है जिहड़ी रिपोर्ट करनी है। सो थैंक यू करो, वेरी गुड। चॉइस फिलिंग तो बाद लॉक फॉर्म लॉक हो जाता है, उस तो बाद एंट्रेंस रिजल्ट ते चॉइस फिलिंग दा पीडीएफ डाउनलोड करनी रहेगी, कोई जरूरत नहीं पैनी, तुसी कर ली है ते कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्क्रीपेंसी है, एरर है, डेट ऑफ बर्थ है, रेजिडेंस है, रूरल एरिया है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मार्क्स ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दे जी गलत फिल होया उसनों ठीक करना है, उसनों ठीक करके खुद ब खुद फाइनल मैरिट लिस्ट के बाद 23 तरीक न 23rd न एरिया 23rd नूं तुहाडी जिहड़ी है प्योरली प्रोविजनल ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट लिस्ट तुहानूं ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ सीट हो जानी है। सो कुछ भी करन दी जरूरत नहीं है। सर मेरी मैरिट लिस्ट कदों आएगी है जी? सर मेरे तो रोंग कॉलेज लॉक हो गया ते अनलॉक नहीं होया ते मेरी कॉलेज फिलिंग नहीं हुई है। तुसी ईमेल आईडी जो है दित्ती हुई है एरर एंड करेक्शन वाली वीडियो विच उत्थे मेल कर देनी है, है ना pbbedadmissions2023@gndu.ac.in ते इत्थे तुसी मेल कर देनी है, और जे नहीं हुंदी जीरो फिल हुंदा है अपनी मेल विच की लिखना है ज़्यादा जरूरी है। कोई स्टूडेंट कर रहे ने मेल कैफे वाले ने जी आ फिल करता, कैफे वाले की नहीं जिम्मेवारी तुहाडी है, वर्डिंग तुसी देनी है, तुसी चॉइस बना के लैके जाओ, जां जिस तो फिल कराउंदे हो वो मेल विच लिखो कि मेरे आ 3 कॉलेज 5 कॉलेज है मैं इस तरह फिल करने हैं, वो लिस्ट बना के दो करन, जे वो नहीं हुंदी तो कोई बात नहीं सैकेंड काउंसलिंग विच फिर तुहाडी बारी आनी है, है ना। सो ये तुसी अपनी डिस्क्रिपेंसी है मेल कर सकते हो। सर प्रोविजनल मैरिट लिस्ट आ गई है पर उस दे विच जो कैंडीडेट नेम है वो मिडल नेम तक गिवन है, कैंडीडेट डैशबोर्ड ते एडमिट कार्ड ते फुल नेम गिवन है,
ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ। ਨੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਲ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਪੈਂਸੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ।